हाय फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ अपने इजी एजुकेशन में। आज हम ब्लड रिलेशन का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई दूसरा वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले देखने के लिए। और आप सभी को बता दूँ कि ये ब्लड रिलेशन का सेकेंड पार्ट है। जो पहला क्वेश्चन है, अगर मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है। तो ये क्वेश्चन सेकेंड ब्लड रिलेशन का पार्ट वन का है, जो उसमें हमें होमवर्क के रूप में दिया हूँ, तो उसका मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। बोल रहे हैं कि अगर मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, तो बोल रही है कि राजीव के पिता, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं राजीव राजीव के पिता मेरे पिता के मोहनी के मतलब लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मोहनी। मोहनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र बेटे हैं, एकमात्र बेटा है, एकमात्र बेटे। एकमात्र बेटे हैं। तो बोल रहा है तो मोहिनी का राजीव से क्या रिश्ता है। तो बोल मोहिनी का राजीव से, मोहिनी का राजीव से, राजीव क्या कहेगा मोहिनी को। तो ये इसके पिताजी और पिताजी की बहन, जो हमारी बुआ लगेंगी, जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, इसके इकलौते भाई का बेटा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा कि इसके इकलौते भाई, मतलब महिला, यहाँ पे लिख लेता हूँ महिला। महिला की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा इसके इकलौते भाई, मतलब महिला के इकलौते भाई का बेटा, इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। बोल रहा है कि इस एक महिला की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का, इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का, मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। यहाँ पे पुरुष हो जाएगा, जो पुरुष करता है। बोल रहा है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए पुरुष ने कहा महिला की ओर संकेत, जो महिला की ओर संकेत कर रहा है जो पुरुष, उसके उसे बोल रहा है कि इसके महिला के भाई का बेटा, महिला के भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। तो बोले कि वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो फिर से रिलेशन जोड़ते हैं यहाँ पे, इसकी पत्नी, इसकी साला, ये इसकी ससुर, इस पुरुष की ससुर, ससुर की ये बहन, जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए विनय ने कहा वो हम मेरे ग्रैंडफादर, विनय ने कहा। तो विनय कह रहा है कि वो हम मेरे ग्रैंडफादर की, वो हम मेरे ग्रैंडफादर मतलब दादाजी, वो मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती संतान, वो मेरे दादा ग्रैंडफादर की इकलौती संतान की पुत्री है, इकलौती संतान की ये पुत्री है ये लड़की, यानी कि पुत्री है। तो उस लड़की का विनय से क्या संबंध है, उस लड़की का विनय से, विनय क्या कहेगा इस लड़की को। तो बहन, जो ऑप्शन नंबर बी। जो भी सतीश चैनल पर है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी तो विनोद के विनोद बोलते हैं विनोद विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की विनोद के पिता की पत्नी पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र विशाल के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है? विनोद विशाल से किस पर संबंधित है? तो ये इसके पिताजी, ये माता जी, ये इसके मामा, ये मामा का भाई यानी मेरा भाई, जो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। परिचय देने वाली औरत तथा उस व्यक्ति के बीच क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता के महिला कहती है कि महिला यहाँ लिखते हैं महिला कि वह चित्र उसके पिता के महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, यहाँ महिला है, यहाँ पे एक चित्र है, बना देता हूँ एक चित्र, इशारा करते हुए वह कहती है कि वह चित्र उसके पिता के मतलब महिला के पिता के इकलौते पुत्र मतलब इसका भाई, इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है, जो चित्र इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है मतलब इसकी ये पत्नी है। तो महिला की चित्र वाली कौन लगेगी? तो महिला की चित्र वाली कौन लगेगी? माँ लगेगी, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है। एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए रोहित ने कहा कि उसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर उसकी माँ, लड़की की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। तो बोल रहे कि लड़की का रोहित से क्या संबंध है? तो ये चित्र वाली जो ये लड़की है, लड़की का रोहित से क्या संबंध है? तो रोहित से रिलेशन जोड़ लेते हैं। तो ये इसकी एकमात्र पुत्री है, जो इकलौती पुत्री है, तो बोले रोहित से क्या संबंध, बोले पुत्री है तो चित्र वाली लड़की का रोहित से क्या संबंध है? तो रोहित से इसका क्या संबंध, इसकी ये बहन, ये बहन की लड़की थी यानी ये बहन जी, जो ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम की ओर इशारा करते हुए रुचि कहती है, इनके इकलौते पुत्र के मतलब गौतम यहाँ बोल रहे थे गौतम गौतम की ओर इशारा करते हुए रुचि कहती है कि इनके इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर हैं। मेरे ससुर हैं। तो बोले गौतम का रुचि से क्या संबंध है?
गौतम का रुचि से क्या संबंध है? इसके दादा हैं, तो ये यहाँ पे ये क्लियर नहीं होगा कि ये गौतम की पत्नी है कि नहीं है। तो ये यहाँ हम ऑप्शन में देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये इसका पति भी हो सकता है, देवर भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि पति भी है, देवर भी है। यहाँ पे डी ऑप्शन दे रहा हूँ कि पति या देवर दोनों भी है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर डी के साथ जाऊंगा, जो पति या देवर दोनों हो सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन है जो मैं आप लोग का होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जो आप सोल्यूशन करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।